वक्त की बड़ी खबर, कालेधन को सफेद करने के शक में आईटी विभाग की छापेमारी की खबर मिल रही है। और कालेधन को सफेद करने के शक में आईटी विभाग ने छापेमारी की है। 90 करोड़ की नकदी जब्त, जिसमें 70 करोड़ के नए नोट मिले हैं। 90 करोड़ की नकदी जब्त की गई इस छापेमारी के दौरान, जिसमें 70 करोड़ के नए नोट मिले। आईटी विभाग की छापेमारी, कालेधन को सफेद करने के शक में आईटी विभाग ने यह छापेमारी की है। इस वक्त की बड़ी खबर तमिलनाडु से, जहां पर आईटी ने छापेमारी की, 90 करोड़ की नकदी जब्त की गई है, जिसमें से 70 करोड़ के नए नोट थे। लगातार आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर, काले धन को सफेद करने के शक में आईटी विभाग की छापेमारी। तो सरकार और आईटी विभाग पूरी तरीके से सतर्क है और सख्ती यहां पर नजर आ रही है। और इसी कड़ी में आपको बता दें, 90 करोड़ की नकदी जब्त की गई है, जिसमें 70 करोड़ के नए नोट मिले हैं। और आलोक हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। आलोक, इस छापेमारी की कार्रवाई के बारे में क्या जानकारी? देखिए, जो चेन्नई में कार्रवाई आईटी डिपार्टमेंट ने की है, उसमें जो शंकर रेड्डी है, बिजनेसमैन श्रीनिवास रेड्डी, प्रेम रेड्डी, ये तमाम जो लोग हैं, मनी एक्सचेंज एक रैकेट था जिसको बस्ट किया गया है। और ये सबसे बड़ी बात है कि मनी एक्सचेंज जो रैकेट है, उसमें करीब 90 करोड़ कैश मिला है, जिसमें 70 करोड़ जो अमाउंट है वो नए नोटों में है। ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है, क्योंकि जो नया नोट आरबीआई से छप रहा है वो सीधे मनी एक्सचेंज जो रैकेट है वहां पर कैसे पहुंच जा रहा है। और साथ ही साथ एक और बड़ी रिकवरी हुई है, वो है 100 किलो सोने की। जाहिर सी बात है कि सोने को बदलने के लिए पुराने नोटों का इस्तेमाल किया गया, और इस वजह से ये जो बहुत बड़ी रेड जो चेन्नई में 8 जगह पर ये रेड हुई है, अन्ना नगर, टी नगर, तमाम जितने भी जगह पे हैं, यहाँ पर रेड हुए हैं। और इसको लेकर देखें तो एक बहुत बड़ा आईटी की तरफ से एक खुलासा, तो एक बहुत बड़ा ये खुलासा है, क्योंकि 90 करोड़ रुपया मिलना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जी जी, जाहिर अपने आप तमाम सवाल ये खड़े कर रहा है। लेकिन आलोक, आपसे जाना चाहेंगे, तमिलनाडु में जिस जगह यहाँ पर छापेमारी की गई है, वहाँ किसी सूचना के आधार पर की गई, वहाँ जो लोग मौजूद थे उनसे कोई बात करने की कोशिश की गई, अभी तक किसी को हिरासत में लिया गया? तो चलिए, आलोक से फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा। बहरहाल, कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक और कदम बढ़ाया है। अब अगर आप किसी भी सर्विसेज के लिए 2000 रुपए तक पेमेंट डेबिट या क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो उस पर सर्विस चार्ज नहीं लगेगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज लोकसभा में इस बात का ऐलान किया। और इससे पहले सरकार ने 31 दिसंबर तक डेबिट कार्ड से पेमेंट पर सर्विस चार्ज से छूट दी थी। आपको बता दें, आमतौर पर होटल, रेस्टोरेंट और पेट्रोल पंप पर 2 से 2.5% सर्विस चार्ज वसूला जाता है। यानी कि अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खाने या ब्यूटी पार्लर जाते हैं तो आपको 2000 रुपए तक के बिल का भुगतान डेबिट या क्रेडिट कार्ड से करने पर सर्विस टैक्स के अलावा लगने वाला सर्विस चार्ज नहीं देना होगा। कल यानी बुधवार को आरबीआई ने ऐलान किया था कि 2000 रुपए तक के ऑनलाइन पेमेंट पर 1-time password यानी ओटीपी की जरूरत नहीं। हालांकि इस सुविधा के लिए ग्राहकों को रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से गुजरना होगा। रुपए कार्ड के इस्तेमाल पर स्विचिंग चार्ज को पहले ही खत्म कर दिया गया है।